के नेता सदानंद कदम की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने है। सदानंद कदम की गिरफ्तारी को लेकर उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। राउत का आरोप है कि सदानंद कदम के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सरकार तानाशाही की सारी हदों को भी पार कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता आती है और जाती है, लेकिन सबका हिसाब होगा। दरअसल सदानंद कदम उद्धव गुट के नेता रामदास कदम के छोटे भाई हैं और उन पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के दापोली इलाके में स्थित साई रिसोर्ट को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। घोटाले का आरोप भी और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ही लगाया था। इस प्रोजेक्ट में कथित रूप से सदानंद कदम और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब दोनों पार्टनर हैं। ये कार्रवाई क्या है? ये तो बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। सदानंद कदम शिवसेना परिवार के सदस्य है। उद्धव ठाकरे जी की बहुत बड़ी रैली कोकण में हो गई, खेड़ में। वो रैली यशस्वी करने के लिए सदानंद कदम का बड़ा योगदान था और ये होने के बाद दूसरे दिन तुरंत ईडी वहाँ पहुँचती है और सदानंद कदम को अरेस्ट कर लेती है। वो व्यक्ति बीमार है, उनको ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उनको अरेस्ट कर कर लेके गई। मैं बार बार कुछ मुद्दे सामने लाया हूँ कि किरीट सोमैया ने जो विक्रांत घोटाला किया है, विक्रांत के नाम पर जो पैसा जमा किया लाखों करोड़ों, उस बारे में तो उनको क्लीन चिट देती है यहाँ की पुलिस, उनकी जांच भी बंद कर दी। ईडी के लिए फिट केस है विक्रांत घोटाला, लेकिन वहाँ ईडी नहीं जा रही। ईडी कहाँ जा रहे? जो अपने विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के, बस उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ईडी तुरंत उसको छोड़ा जाता है। संजय राउत का आरोप है कि सदानंद कदम ने उद्धव ठाकरे की रैली को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सवाल किया कि किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बता दें कि ये वही बीजेपी नेता किरीट सोमैया हैं जिन पर 57 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है। उन पर INS विक्रांत को बेचने के लिए जुटाए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।